द ह्यूमन बॉडी वेरियस इन साइज एंड शेप. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग, बट ऑल ह्यूमन बींग हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. आवर बॉडीज हैव मैनी पार्ट्स. बोन्स, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. अ स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव शेप ऑफ द बॉडी. एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर आर बेंट, वी आर यूजिंग आवर बोन्स. वैन वी बिकम एन अडल्ट वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. डू यू रिमेंबर, मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स. ऑल ह्यूमन बींग हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, बट वी लुक, थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली फ्राम ईच अदर. स्केलेटन का बोन्स है ये. इसके अलावा ये जो ऊपर वाली हड्डी को थोड़ी को क्या कहेंगे, जॉ बोन्स, और ये जो खोपड़ी इसको स्कूल कहेंगे, स्कूल. ये हाथ की जो हड्डी है इसको अपर बोन कहेंगे, अपर आर्म बोन्स. ये ऊपर की जो हड्डी है हाथ की, और जो नीचे की है ये, इसको लोअर आर्म बोन्स कहेंगे. और ये जो उंगलियां हैं इनको फिंगर बोन्स कहेंगे. और ये जो ये क्या कहते हैं इसको उर्दू में, जो भी कहते हैं, मतलब रिब्स, ये रिब्स हैं. और ये जो है कमर की हड्डी, इसको स्पाइन कहेंगे. और ये कूल्हे की हड्डी, इसको हिप बोन्स कहेंगे. और ये जो टांग है ऊपर की, इसको टाइट बोन कहेंगे. और ये जो गोल सी ये टांग के बीच में जो जॉइंट करती है, इसको क्या कहेंगे, नी कैप. और ये जो पैर है ये टॉय, इसको टो बोन्स कहेंगे. मसल्स एंड जॉइंट्स, बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, दे मूव विद हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. द प्लेस वर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. जॉइंट हेल्प द स्केलेटन टू मूव, दे अलाउ अस वॉक, रन, बेंट और लिफ्ट थिंग. इसकी डायग्राम ये, जैसे हाथ की, इसमें ये जो हड्डी है बोन को कहलाती है, और ये जो हाथ की ये चीज़ है इसको मसल्स कहते हैं, और ये जो से हड्डी मिलती है ये जॉइंट कहलाती है. डू यू नो सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडीज, सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स. चेक कॉन्सेप्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स, 206 बोन्स. यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बॉडी. यू नीड मसल्स एंड जॉइंट्स टू मूव योर बोन्स. ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स. ईच जॉब इज डूइंग बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स. सम ऑफ दिस ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन. ये पार्ट है इंसान के अंदर का जो सिस्टम है उसका. यू हैव, ये दिमाग जिसको कहते हैं, यू हैव ब्रेन. यू यूज इट टू थिंक विथ इट, कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस. ये आपकी ब्रेन है जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये बॉडी योर, आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो आप चलते आपके एक्शंस होते हैं. और ये है हार्ट, जो दिल होता है इंसान का. यू हैव अ हार्ट, इट पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी. ये ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में. और उसके बाद आता है ये लंग्स, फेफड़े जो होते हैं. यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, आपके पास दो लंग्स होते हैं. यू यूज देम टू ब्रीथ एयर एंड आउट ऑफ द बॉडी. हम इसको इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, हवा को अंदर खींचने के लिए, और बाहर निकालते हैं.
और उसके बाद आता है ये स्टोमच, मैदा। यू हैव अ स्टोमच, इट हेल्प्स योर डाइजेस्ट योर फूड। ये आपको खाने को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंस ऑर्गन्स, इंसान की छठी हिस जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब सूंघने की हिस होती है चीज़ों को महसूस करने के लिए, उसको कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। वी हैव फाइव सेंसेस, हमारे पास पांच सेंसेस होते हैं। वी यूज द सेंसेस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग अराउंड अस, हम इनको इसको महसूस, इन पांच चीज़ों को इस तरह महसूस कर सकते हैं। उनमें पहला है एयर, कान, दूसरा है आइस आँखें, तीसरा है नोस, ये भी सेंस ऑर्गन्स है, टंग जबान। एयर मतलब ये सुन सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स आँख देख सकती है, नोस सूंघ सकता है, टंग ये जायका चखती है, और फिंगर्स एंड स्किन जो हाथों को छू के महसूस करते हैं। विद द सेंसेस ऑर्गन्स वी कैन सी हेयर स्मेल टेस्ट एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। डिस्कस आंसर, विच ऑफ योर सेंसेस डू यू यूज द मोस्ट डिफरेंट सिचुएशन, थिंक अबाउट हाउ टू यूज दैट स्कूल एट टाइम। ये डिस्कशन लिखी है, ये पढ़ना लाजमी नहीं होता, ये तो बच्चों को समझाने के लिए होती है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट आंसर, व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वर बोन्स मीट, हम उस चीज़ को क्या कहते हैं जहाँ पे बोन्स मिलती हैं आपस में, कौन सी होती है तो बोन किस जगह मिलती है आपस में, जॉइंट्स में मिलती है, सी आएगा इसमें करेक्ट। विच ऑफ दिस इज नेम ऑफ द बोन्स इन हेड, हेड में जो हड्डी होती है वो क्या कहते हैं, स्कूल स्किल स्कूल स्पाइन जॉइंट स्कूल कहते हैं। दिस इज नॉट वन ऑफ फाइव सेंसेस, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ फाइव सेंसेस, तुम से कौन सा जो फाइव सेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता, साइट बिलीफ हेयरिंग टच। बिलीफ ये बिलीव मतलब महसूस करना, ये वो नहीं होता, सिक्स सेंसेस इस्तेमाल नहीं होता। पर विच इज़ ऑड वन आउट, हिप बोन रिब जॉ बोन स्किन। तो इसमें आएगा जॉ बोन, ओ हिप बोन सॉरी जॉ बोन बोलता हूँ, कूल्हे की हड्डी बैक पे जो आती है। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ यूज टू ब्रीथ विथ, आप कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी का जिससे आप सांस लेते हैं, ब्रेन हार्ट स्टोमक लंग्स, तो लंग्स होता है, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं। हाउ मैनी ज्वाइंट्स आर देयर इन दिस बॉडीज पार्ट, यूज पिक्चर्स इन यूनिट एंड योर ओन बॉडी फाइंड आंसर्स, ये पढ़ के बताना पड़ेगा। विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स नर्वस, ये बाद में पढ़ के बताएंगे, बस यहाँ तक।